तैयारी करोगे तो यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक का नाम सुना ही होगा। अगर नहीं सुना होगा तो आप लोग को इस वीडियो में पता चल जाएगा कि इस बुक का क्या खासियत है। तो आप लोग को बता दें कि यदि आप लोग रेलवे का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर इसका तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग रीजनिंग के लिए अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसका अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स का रीजनिंग का बुक ले सकते हैं, जो कि यह बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उन स्टूडेंटों के लिए जो रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस बुक में वही सारे क्वेश्चन को दिया गया है जो कि रेलवे ने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे हैं। तो देख सकते हैं कि जैसा कि इसमें यह जो बुक आप लोग को दिखा रहे हैं तो यह न्यू एडिशन का बुक है, बहुत सारे स्टूडेंट के पास इसका बुक पहले से भी होगा, लेकिन यदि आप लोग यह बुक लेते हैं तो आप लोग को बताएंगे नया एडिशन में आप लोग को क्या क्या नया मिलने वाला है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें दिया गया 8418 से ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया है, और यह जो है सॉल्व पेपर है, मतलब कि प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है उसमें सॉल्व किया गया है, और ये अप टू डेट सॉल्व पेपर है। और यहाँ पे देख सकते हैं 2019 तक आरआरबी की विभिन्न परीक्षाओं के सभी 307 प्रश्न पत्रों का अध्यायवार संकलन यहाँ पे किया गया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे जेई, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, पारामेडिकल, एलपीएसटेज, एलपीएसटेज 2, ये सारा दिया गया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बुक के कवर में सारा चीज़ डिटेल बता दिया गया क्या क्या इस बुक में आप लोग को मिलेगा, जैसा कि रीजनिंग है चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज, मतलब रीजनिंग का जो भी सिलेबस है रेलवे का वो चैप्टर वाइज इसमें संकलन किया गया है, उसमें टाइप बना दिया गया, और एक टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे टाइप को अलग अलग करके दिया गया है। उसके बाद इस तरह क्वेश्चन का जो आप लोग को मिलेगा इसमें सॉल्व भी मिलेगा, जो कि आप लोग इसका सॉल्यूशन साथ ही साथ देख सकते हैं, और यह रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दिखाते हैं कि यह बुक में आप लोग यदि लेना चाहते हैं तो इस बुक में आप लोग को क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस बुक में जो आप लोग को मिलेगा वो परीक्षा जो 2019 में हुआ था रेलवे का, वो सारा क्वेश्चन इसमें मिलेगा। तो पहले आप लोग को इसमें बताएंगे कि इसमें कौन कौन सा चैप्टर है। तो देख सकते हैं कि चैप्टर एनालॉजी है, कोडिंग डिकोडिंग है, क्लासिफिकेशन दिया गया, सीरीज दिया गया है, मिसिंग नंबर, लेटर, टर्म, फिगर, ये सारा चैप्टर दिया गया, जो कि 20 लेसन टोटल लगभग इसका जो है रीजनिंग का सिलेबस वो सारा 20 लेसन को इस बुक में कवर किया गया है, और कवर करने के साथ साथ इस बुक में जो है टाइप वाइज कवर किया गया है। तो देख सकते हैं कि जो भी एनालॉजी में जितना भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो सारा टाइप के क्वेश्चन को एक साथ इकट्ठा किया गया, जैसे हिंदी शब्दों पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है, अंग्रेजी शब्दों पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है, वाक्यों में देखिए अंग्रेजी था हिंदी शब्दों पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर हम क्लास सीरीज में देख ले अंकों पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्षरों पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है, तीन अंकों तथा अक्षरों की मिश्रित श्रृंखला पर क्वेश्चन पूछा जाता है। वो सारा क्वेश्चन तो चैप्टर वाइज देखते हैं, लेकिन इसमें आप लोग को टाइप वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग के तैयारी को बहुत ही हाई लेवल तक ले जाएगा। तो इसमें देख ही चुके हैं कि इसमें जो टोटल लेसन दिया गया वो टोटल 20 लेसन दिया गया है, लेसन को भी टाइप वाइज में इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अब चलिए बताते हैं कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन देखने को इसमें मिलेगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला लेसन है एनालॉजी, एनालॉजी में टाइप वन है, देख सकते हैं सर क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्वेश्चन मतलब एक टाइप में बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन पे चार ऑप्शन दिया गया है और इसका आंसर बताया गया। और सबसे खास बात यह है कि यदि आप लोग यह तैयारी करें, देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग को साथ ही साथ इसका प्रैक्टिस हो जाएगा। देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया, 19/9/2018 को शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन दिया गया, फिर देख सकते हैं यह भी ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा गया, यह भी ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा गया, मतलब इसमें आपको एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं मिलेगा, जो भी ग्रुप रेलवे ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे वो सारे क्वेश्चन को इसमें दे रखा गया। तो देख सकते हैं यदि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व हो रहा तो हो रहा है, नहीं हो रहा तो इसके नीचे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, यहाँ से आप लोग इसका तैयारी कर सकते हैं, इस प्रकार से आप लोग इसका तैयारी कर सकते हैं रीजनिंग का। फिर अगला लेसन को दिखाएं तो देख सकते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में भी दिया गया है, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, ये भी कब एग्जाम में पूछा ये बताया गया है, इसका एक्सप्लेनेशन नीचे में दिया गया। इसी प्रकार से जितना भी लेसन है 20 लेसन तक इस बुक में एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया। तो अगर यह बुक आप लोग लेते हैं तो रेलवे का यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो यह बुक आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज के साथ टाइप वाइज क्वेश्चन दिया गया, जो भी चैप्टर बनाते हैं उसका टाइप के साथ साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, यह क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करवाएगा, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर को जानते हैं कि कोई भी एग्जाम में 70% क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ से आप लोग अगर यह क्वेश्चन एक बार बना लेते हैं तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आप लोग का बहुत ही अच्छा तैयारी हो जाएगा। तो यह बुक आप लोग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह का वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किस बुक पर रिव्यू चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं।